तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर, यस सर, यस सर, है सर। मैं टैब ओपन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो हमारा अपीयर हो रहा है गूगल आर्ट एंड कल्चर, हम इसको ओपन करेंगे। तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई दे। इसमें आप जब भी इसको ओपन करेंगे, ये नई थीम के साथ ओपन, इसमें हर रोज कुछ नया इंक्लूड किया जाता है। एक पर्टिकुलर थीम होती है, जैसे आज है यूक्रेन इज हियर, अभी आप देख भी रहे हैं यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री आर्ट कल्चर के बारे में आप जान सकते हैं, नॉट सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी। जिसमें आज की एक्टिविटीज भी होती हैं, कि आप जैसे ये आप देख रहे हैं एलिफेंट, एलिफेंट्स के जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, पुराने बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, जब इस तरह के एलिफेंट्स मिलते थे, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, या पूरा म्यूजियम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें एक ये फ्रिक कलेक्शन है उसको भी देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, पजल्स भी होते हैं आपको पजल सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। आज की डेस्टिनेशन इन्होंने वेनिस डिसाइड की हुई है, तो आपने वेनिस के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा कि वेनिस क्या है, कैसे है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, या इसकी पिक्चर, या इस पर बनी मूवीज देखी होंगी। आप इसका पूरा टूर कवर कर सकते हैं वेनिस का और इनके म्यूजियम से, गूगल आर्ट एंड कल्चर से। इसमें मैंने आपको ये जो दिखा रहा हूँ, इसमें ये है कि आप जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ही आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। हम एक्सप्लोर पे चलते हैं। देखिए, इसमें आपको ढेर सारी कैटेगरीज दिख रही होंगी। आर्ट कैमरा है, 360 डिग्री वीडियोज हैं, कहीं भी आप, हम जैसे खड़े होते हैं, खड़े होके हम देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं अपने, तो हम अपना पूरा एक विजुअलाइजेशन लेते हैं पूरे। अगर एक हम रूम में हैं, तो रूम के सारी वॉल्स को देख पाते हैं अपने हेड को रोटेट। 360 डिग्री विजुअलाइजेशन ये है कि आप एक एक कॉर्नर विजिट कर सकते हैं। इसमें आर्टिस्ट, मीडियम्स, आर्ट मूवमेंट्स, हिस्टोरिक इवेंट, हिस्टोरिकल फिगर्स, मतलब जो हिस्टोरिकल पर्सन हैं उनके बारे में भी नॉलेज है, और जो लेटेस्ट इवेंट्स चल रही होंगी वो, और उसके हिस्टोरिकल आर्ट एंड फैक्ट्स आप देख सकते हैं। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, जी आप देख पा रहे हैं? सर, यस सर, देख पाया सर। अच्छा, आप क्या पहले इस चीज को जानते थे, यूज किया है आपने कभी? नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। तो मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं अपने सेशन में कोई टूल आपको नहीं सिखाऊंगा, टूल आप लोग बहुत सीख रहे हैं, और उन टूल से आप सोशल साइंस के काफी चीजें डेवलप कर सकते हैं। बट ये एक चीज डिफरेंट है, जो आप वर्चुअली क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ, आप इसमें विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो, या एज ए असाइनमेंट आप दे सकते हैं। कैसे, वो हम वन बाई वन स्टेप करके देखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको नेशनल म्यूजियम की बात की, लेकिन ये अभी आपने जो स्क्रीन पे देखा, वो सारे ऑलमोस्ट वर्ल्ड इवेंट्स के थीम्स हैं ओके ज्यादातर। तो आपको ये है कि यहाँ सर्च आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड पे सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं नेशनल म्यूजियम। अब सर, NUSE। बोलो ना, आइए बोलिए।
केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय म्यूट कर ली तो देखो बच्चा आपको पापा देखिए मैम, आप जो म्यूट कर लीजिए प्लीज। अनीता देखिए आप म्यूट कर दीजिए मैम को। संतोष पढ़ना तो आपको जो भी देखना हो, जहां भी विजिट करनी हो, उसको आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने नेशनल म्यूजियम सर्च किया तो यहाँ आपका ऑप्शन आता है नेशनल म्यूजियम विजिट करने का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए नेशनल म्यूजियम का आपका पूरा स्ट्रक्चर ओपन हो गया यहाँ पे। उसमें जो कलेक्शंस हैं, सारे कलेक्शंस आपको यहाँ गिवन है, सिर्फ आप देख नहीं सकते इसको। अगर आप किसी स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने बुद्धा पे क्लिक किया, इनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड है, कहाँ फाइंड आउट हुई ये स्टैचू। बताने का मेन पर्पस ये है कि जैसे हम अगर फिजिकली भी विजिट करते हैं किसी म्यूजियम को, तो हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ उसको देख पाते हैं, उसके बारे में पढ़ पाते हैं, हम उसको अपने माइंड में जितना स्टोर कर सकते हैं कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये है कि वर्चुअल टूर के थ्रू हम उसके बारे में डिटेल पूरा ले सकते हैं। उस पर कोई अगर क्लासरूम असाइनमेंट आप जी जी सर क्लासरूम में सर लाइवलीनेस रहती है, बच्चे देख भी पाते हैं, सिर्फ टेक्स्ट के अलावा पढ़ भी। हाँ, सिर्फ पढ़ पाते हैं, लाइवलीनेस नहीं रहती। तो एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है कि टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, और जो सुन रहे जो हैं। देख भी उसके साथ साथ अगर आप देख भी पा रहे हैं तो जो आर्किटेक्चर का डिजाइन है वो साथ साथ देख भी सकता है। बिल्कुल देख सकते हैं सर, आप इस इमेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज कौन करके। से आर्ट, कौन सी है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है तो कैसे डिजाइन होता था, वो सब क्लियर आ जाएगा। ये फीचर्स हैं इसमें, एक जैसे इसमें आप मीडियम डिसाइड कर सकते हैं कि आप पेपर के जो आप देख रहे हैं 303, इसमें गिवन है कि पेपर आर्ट जो है वो है मेटल के 249 है, गोल्ड 95 है, वुड 42 है, सिल्वर 30 है। अलग अलग मेटल्स के आइटम्स बताए गए हैं इसमें कि इसके अंदर कितने आइटम्स हमें हैं देखने के लिए। और आप पर्टिकुलरली एक सेक्शन चूज करके, सिर्फ अगर आपको मेटल्स देखने हैं कि इसमें कौन कौन से मेटल्स आपको मिले हैं, या जानना है मेटल्स के बारे में या मेटल्स की क्या क्या कॉम्पोजिशंस रही हैं, तो आप सिर्फ मेटल सेक्शंस में जाके चूज कर सकते हैं। जैसे मेटल्स में आप गए तो आपको जितने मेटल्स उसमें मिले हैं, जैसे आप लोगों को ये नटराज का जो स्टैचू है जी आपको हर जगह देखने को मिलता है, जी ये नेशनल म्यूजियम में भी है। अगर इसके बारे में हमें जानना है हम इसको बोलेंगे, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन से यहाँ प्रोवाइड। जैसे ये 1100 1200 अराउंड BC का है, चोला में मिला है, लोकेशन चोला तमिलनाडु में। इसका साइज डाइमेंशंस लेके एवरीथिंग इज रियल। अभी तक सर ये ब्लैक बोर्ड भी रहती थी हिस्ट्री, और इसके कारण पूरा कलर आ गया। हाँ एग्जैक्टली, आप एक्चुअली एक फिगर को देख पाते थे, फिगर रोटेट नहीं करता। मैं वीडियो अपनी ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू अगर है तो रिजॉल्व हो जाए। मेरी वॉइस तो क्लियर है सभी हाँ को? सर, क्लियर वॉइस है सर। थोड़ा थोड़ा साउंड रेस करो सर। हाँ साउंड रेज करो नाउ, आई एम लाउड सर, आप ओके क्लियर हैं? सर, ओके।
आप विजिट कर रहे हैं साथ साथ? देखिए, जी सर। शायद जिसने नहीं विजिट किया है वो ये समझ पा रहे होंगे कि ये सारे स्ट्रक्चर्स नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है उसमें प्रोवाइडेड हैं, फिजिकली प्रेजेंट है, और आप इसको वर्चुअली यहाँ वन बाय वन देख पा रहे हैं। शायद इतना क्लोज तो आप म्यूजियम में भी नहीं देख सकते, इतना क्लोज आप यहाँ देख रहे हैं। हेलो सर, जी सर, आई सर बताइए प्लीज। इन गोवा आई हैव विजिटेड द स्टेट म्यूजियम ऑफ गोवा एज वेल एज इवन द महाराष्ट्र ऑल्सो। इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज सोर्सेस विच हेल्प अस, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई ट्राई टू शेयर टू स्टूडेंट्स, some students look like they find viewing the video is something just passing the time. And normally what happens in Goa in the month of June, July, August, we face the issue of frequent cut down of electricity. So इस हम तो स्क्रीन पे शेयर करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आई हैव डिसाइडेड टू कंपाइल ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री इन वन वीडियो. आई एम ट्राइंग दिस वन so that I can show one day, I can take one day for all these chapters so that students will learn about the chapters information in the best way of technology. This is what I thought, sir. दैट इज द बेस्ट वे सर। यू कैन ऐड वन मोर थिंग, आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे आप ये वर्चुअल टूर है, आपने बताया कि जब आप गोवा के म्यूजियम्स में गए आपने देखा, तो आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंबाइन करके एक जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें अगर ये आपके साइट पे कुछ अवेलेबल है गूगल एंड आर्ट के कल्चर पे, तो आप इसके लिंक्स वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं कि बच्चे इसको रेफर करके वहाँ देख सकें या इस प्लेस को विजिट कर सकें वर्चुअली। यस सर, यस सर, आई विल ट्राई सर, आई विल ट्राई सर, तो थैंक यू सर. आर्टिफैक्ट्स इज देयर एंड देन बेस्ड ऑन दिस आर्टिफैक्ट्स आपको स्टोरीज मिल जाएंगी इसके पीछे। आप स्टोरीज पे गए, अब दिस इज द वन ऑफ द पीस ऑफ, आप इसको क्लिक करेंगे में आपको पूरी डिटेल आर्टिफैक्ट्स मिल जाएंगे इसके। तो आप इसको एनलार्ज करके देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो अर्ली डेज ऑफ बुद्धिज्म का है एंड बुद्धा वाज वर्शिप थ्रू एन इकोनिज्म, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वर्शिप किया जाता था बुद्धा को, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है इस। सर बी अ लिटिल लाउडर, नॉट एबल टू लिसन। Those states people who don't have a privilege to visit National Museum or Delhi, Hyderabad, Goa, like that, what sir was saying. So by visiting this virtual tour, they themselves can enlighten themselves and their students also. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली दिस वेब पेज इज प्रोवाइडेड कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दैट एग्जीबिशन और व्हाट एवर द और एनी हिस्टोरिकल प्लेस और पर्सन। तो तो सर आप इतना कुछ तो सर बुक्स में स्टोरीज के माध्यम से जो है तो और अच्छा बच्चों का इंटरेस्ट भी आएगा. वो कई लोग बोरिंग कह कह के वो हिस्ट्री छोड़ देते हैं नहीं सर, हिस्ट्री सोशल साइंस इतना इवॉल्विंग और सर. इंटरेस्टिंग है। आपने सोशल साइंस के बारे में सुना होगा, इट इज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच इज इंक्लूडेड साइंस। जी सर, आपने यस कभी इस पे ध्यान दिया है कि सोशल साइंस क्यों कहा जाता है सर. और हाँ साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस क्या है? साइंस सर, पर्टिकुलरली साइंस हेलो है कि जिससे हम। जी सर बताइए। सर. सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर इन वी स्टडी अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ,
about the society in a systematic manner. Thus, when we call science, it is done on a systematic manner, on a certain pattern, but it is about the social life, about the life skill, and we learn about the relation of the society, we learn about the everything which is around us. So, and thus it is called social science because social science concepts are not universal. They are changeable according to the time, according to the place, according to the culture. But science is called science because their concepts are universal, which cannot be changed because they are framed on the basis of experiments. रोल प्ले मेथड दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी आर्टिस्टिक सब्जेक्ट सर. You can enhance the imagination skills of the student. Absolutely, sir. और सर इसमें आप जैसे अगर मान लीजिए आप रिसोर्सेज से स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो यू कैन इंक्रीज द इमेजिनेशन पावर. आप जैसे मैप के बारे में बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक हमारा यूटी है जो टॉप ऑफ द हमारे जो स्ट्रक्चर है नेशन का, उसमें सबसे टॉप पर है ऊपर, तो बच्चा इमेजिन करेगा कि ठीक है हाँ वहाँ माउंटेन रेंजेस है, हिमालय है, हिमालय रेंजेस में से हम जब नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे जब फिजिकल लैंड शुरू होते हैं तो उसी हिली एरियाज में हमारा एक जेएन के जो रिसेंटली यूटी कन्वर्ट हुआ है वो है, तो उनकी इमेजिनेशन स्किल को इन्हेंस करेगा. फिर आप उससे रिलेट करेंगे कि ठीक है आपने इमेजिन किया कि ठीक है जेएन के है वहां पे जम्मू कश्मीर है, अब उसमें से एक रिवर फ्लो करती है, उसके डायरेक्शंस को आप बताते चलेंगे कि वहां से आती है पंजाब में एंटर करती है, पंजाब से एंटर करके वो आपका अरेबियन सी की तरफ जाती है, इधर बे ऑफ बंगाल की तरफ कुछ रिवर्स मूव करती हैं जो हिमालयन रेंजेस से निकलती है, तो ये आपके इमेजिनेशन स्किल्स को इनहेंस करता है बच्चों. दूसरा ये है कि आप उनको वर्चुअल टूर्स करा सकते हैं, जैसे आप ये है एक प्लेटफॉर्म है गूगल आर्ट एंड कल्चर, ये कम्प्लीटली फ्री है सर, ये OER रिसोर्स है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके इवेंट्स को आप शेयर कर सकते हैं. जैसे सर कह रहे थे कि मैंने समराइज किया है हिस्ट्री को, समराइज करके एक साथ उनके इवेंट्स को कोलैबोरेट किया है, उनके इवेंट्स आप जैसे कह रहे हैं तो आप जैसे हिस्टोरिकल इवेंट हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी के युद्ध के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, आप प्लासी के युद्ध के फैक्ट्स यहाँ ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं. वर्चुअल टूर्स अगर उसके कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं प्लासी युद्ध के, किसी म्यूजियम में रखे हैं तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ. तो अभी जब हम नेशनल म्यूजियम घूम रहे हैं, यहाँ मैंने आपको आर्टिफैक्ट्स दिखाए, स्टोरीज दिखाई, अब हम इसके वर्चुअल विजिट्स पे चलते. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं देख सकते हैं, आप इसको पर्टिकुलरली विजिट करें. अब ये आप एंटर कर रहे हैं नेशनल म्यूजियम, कुषाण पीरियड है, कुषाण का ये एरिया है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ. अब देखिए आपको ये महसूस होगा कि आप रूम के अंदर हैं, ये जो आपको एरो दिख रहा है ये आपको आगे फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करने में हेल्प करेगा. जैसे आपको इस स्टैचू तक जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नाउ मैं आपके प्लेस पे पहुंच गया हूँ इस स्टैचू के बारे में. जैसे अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको देख नहीं पा रहा, पूरी तरह देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इसको नेशनल म्यूजियम के जब मैंने आपको दिखाया था स्टोरीज या आर्टिफैक्ट्स में, आप वहाँ से जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं इस एरिया को या इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सिर्फ आप इसको देख नहीं सकते, और क्लोज करना चाहें और क्लोज कर सकते हैं स्क्रॉल करके, बिल्कुल एक एक चीज आपको विजुअलाइजेशन. क्या आप महसूस कर रहे हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, डेफिनेटली. यस सर, यस सर, यस सर. हम वर्चुअल टूर पे कैसे पहुंचे एक बार प्लीज बताएंगे? अच्छा एक मैं दोबारा आता हूँ, इसमें बैक करता हूँ. देखिए मैंने नेशनल म्यूजियम सर्च किया, आपका नेशनल म्यूजियम हमारा आया,
हम यहाँ पे थे, फिर मैंने यहाँ से आपको नेशनल म्यूजियम सर्च करके बताया। यहाँ ऑप्शन आया मेरा नेशनल म्यूजियम दिल्ली, आप देख रहे हैं मैम, दिख रहा है आपको? यस सर। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने नेशनल म्यूजियम की मैं आप पूरी गैलरी कलेक्शंस में चला गया। देखिए आप यहाँ से इसको फॉलो भी कर सकते हैं, इस पेज को शेयर पे क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं, जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल के ज्यादातर टीचर्स हैं तो गूगल क्लासरूम नहीं यूज करते, पब्लिक स्कूल्स के ज्यादा टीचर्स यूज करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे टेक फ्रेंडली हैं सर, आप लोग चाहें तो गूगल क्लासरूम भी क्रिएट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम क्रिएट करके, ये बड़ा बेनिफिशियल है सर गूगल क्लासरूम बच्चों के लिए, आप पूरी की पूरी क्लासरूम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप जी यहाँ भी इसको शेयर कर सकते हैं गूगल क्लासरूम। क्या ये लिंक, आप सर, लिंक लेके बच्चों को शेयर कर सकते हैं, लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, या आप इसको एक्सप्लोर करें एज असाइनमेंट दे सकते हैं। मान लीजिए आपने बुद्धा के बारे में पढ़ाना है तो आप ये दे सकते हैं कि बुद्धा के बारे में आपको नेशनल म्यूजियम की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसके बारे में पढ़िए, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताइए कि क्या अवेलेबल है, कब फाइंड आउट हुआ वो स्टैचू, तो ये असाइन कर सकते हैं, वर्चुअली भी असाइन कर सकते हैं और लिंक के थ्रू फिजिकली भी असाइन कर सकते हैं, या आप टाइमलाइन के इवेंट में इस लिंक को ऐड कर सकते हैं कि अगर बच्चे को आप टाइमलाइन पढ़ा रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स का टाइमलाइन है कि पहले ये हुआ, बाद में ये दूसरा इवेंट हुआ, तीसरा इवेंट हुआ, तो वो जब उस इवेंट पे क्लिक करेगा तो वहाँ ये लिंक प्रोवाइडेड होगा सीधा कि आप वो यहाँ आके उस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ सकें। ठीक है ना, मैंने आपको एक एक ये ओपन करके बताया। इसमें आप देख रहे हैं स्टोरीज गिवन है, आप स्टोरीज यस इनके सर। बारे में पढ़ सकते हैं। लास्ट आपका वर्चुअल विजिट है, आपको दिख रहा है मेरा कर्सर मूव कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, वर्चुअल विजिट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, इसमें आपको ये सारे विजिट्स अवेलेबल हैं उस नेशनल म्यूजियम की। जैसे आप देख रहे हैं नेशनल म्यूजियम लेट मेडाइवल आर्ट गैलरी, और मेडाइवल पीरियड का आर्ट गैलरी सेक्शन है ये, आप इसको एक्सप्लोर पे क्लिक करिएगा तो आप इस आर्ट गैलरी के अंदर पहुंच जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं जहां जहां अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ वहां वहां एक एरो मार्क, मुझे स्टैचू को और करीब से जाके देखना है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा। तो मैं स्टैचू को और करीब से देख सकता। तो अपने हिसाब से मैं मूव करके किसी भी एंगल पे देख सकता। बस इसमें एक चीज ये है कि जो आपका डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे गिवन है स्टैचू के पास, ये आपको यहाँ रीडेबल नहीं है, लेकिन इसके बारे में जब आप स्टोरीज सेक्शन में जाएंगे या पर्टिकुलर इस आइडल के बारे में सर्च करेंगे, देखेंगे नेशनल म्यूजियम की उसमें गैलरी में, तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ पाएंगे जो मैं पहले बता रहा। ओके सर, थैंक यू सो मच। और आप नीचे देख रहे हैं एक फ्लो चार्ट की तरह आपके अलग अलग स्क्रीन्स नजर आ रहे हैं, तो आप इसके अलग अलग रूम्स में विजिट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली उस रूम में जा सकते हैं, जैसे यहाँ पेंटिंग्स है वो उन पेंटिंग्स दिखाई गई हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस रूम में आ। ताहिरा ताहिरा मैम, आप पूरी गैलरी देख सकते हैं, इवन आप मूव कर सकते हैं इस गैलरी में, आप नेक्स्ट रूम में आ गए, आप इस रूम में जाना चाहते हैं इस रूम में चले जाइए, इस पेंटिंग को देखना है और क्लोजली तो हम थोड़ा और क्लोज जाके देख सकते हैं।
क्या आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आप उस गैलरी में मूव कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, एज इफ वी आर फिजिकली यस देयर। सर, स्पॉट में है ऐसा फीलिंग हो रहा सर। क्या सर, मैं सुन नहीं पाया। गैलरी के अंदर घूम रहे ऐसे लगा सर। अच्छा, यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इसी तरीके से आप बहुत सारे टूल्स बता सकते हैं। जैसे अगर आप सर्च करना चाहें, तो जैसे आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम का रॉयल कलेक्शन ट्रस्ट, यूके का, विजिबल है आपको? इस पे अगर हम क्लिक करें तो जैसा आप उसमें देख रहे हैं नेशनल म्यूजियम में, ये रॉयल कलेक्शन है यूके का। आप यहाँ से बैठे बैठे यूके के म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं, उनके आर्टफैक्ट्स देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ स्टोरीज गिवन है, कार्टियोग्राफी जो नेशन पुराना यूज होता था मैप के लिए, द किंग्स गैलरी, बकिंगम पैलेस का आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्चुअल टूर। देखिए कुछ इस तरीके का है बकिंगम। क्या आपने इससे पहले कभी देखा था? नहीं सर, नो सर। नो सर, चलिए आप बकिंगम पैलेस घूम लीजिए। बहुत अच्छा। देखिए वहां भी कुछ इस तरीके के उन्होंने सेक्शन प्रोवाइड कर सकते थे, किया है। आप आगे मूव कर सकते हैं इसमें जाके। देख सकते हैं हम सेकंड रूम में, यहाँ पे पेंटिंग को हम देखना चाहते हैं। आप इसके रूफ स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, रोटेट किस तरीके की डिजाइन। जैसे आपने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स विजिट किए होंगे, तो यहाँ में हमें जो मुगल एरा आर्ट देखने को मिलता है, तो हम बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करते हैं कि रूफ स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक सैंपल है कि उन्होंने रूफ कैसे डिजाइन किया है। इसे ये तो सर एनसाइक्लोपीडिया दिखा दिया आपने। कुछ भी ढूंढ लो इसमें। सर ये सही में एनसाइक्लोपीडिया है। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी नई फैक्ट्स मिलेंगी। नेशनल इंटरनेशनल जो चाहे वो आप
विजिट कर सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स है, आपने म्यूजियम देखा तो हिस्टोरिकल फिगर्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, किस किस के बारे में आपको जानना है। जैसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और फेमस कैरेक्टर हैं कार्ल मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस और अदर आइडियोलॉजीज में भी इनका काफी योगदान रहा है, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं। इनके आप पिक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट इनका एरा आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है मई 5 1818 टू मार्च 14 1883। और नेशनल म्यूजियम में कौटिल्य के बारे में कुछ है? कौटिल्य आप सर्च करके देखिए है क्या। नहीं सर, कौटिल्या के बारे में अभी एडेड नहीं है। गुप्ता एनीथिंग अबाउट गुप्ता डायनेस्टी? डायनेस्टी के बारे में होगा सर। हेलो, हाँ सर देखिए, आपने बोला मैंने गुप्ता डायनेस्टी से सर्च किया, सर, इसके कुछ 139 आइटम शो कर रहा है जो गुप्ता ये पीरियड में फाइंड आउट हो। लोकेशंस भी हैं नीचे, कुछ पटना में मिले हैं, अलग अलग है, इनकी सील है यहाँ पे। हाँ सम एग्जांपल्स ऑफ स्कल्पचर, गुप्तम स्कल्पचर। आप जितना एक्सप्लोर करेंगे जो जो ओके इस पे सर, अवेलेबल होगा जरूर मिलेगा। यस सर, यस यस पर्टिकुलरली आपको 360 डिग्री देखना है वीडियोस अलग अलग, तो उस पे ओके जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप ये देख रहे हैं क्वीन विक्टोरिया का दरबार रूम है, दरबार रूम में 360 डिग्री व्यू है, ये देख सकते हैं आप। ऐसा ऐसा My name is Michael Hunter, and I'm the curator here at Osborne. Queen Victoria and Prince Albert were very young when they. Came to Osborne. They had married 3 years previously, and at this stage, of course, they had started a family. They already had three children. इस वाले में आप खुद भी मूव कर सकते हैं, और जो पर्सन है ये एक क्यूरेटर वीडियो बनाया हुआ है इन्होंने, तो एक वर्चुअल टूर ये भी आप नहीं मूव करेंगे तो ये खुद करवाएंगे भी। Looking for a private family home away from the hurly burly of London. And it was here at Osborne that Queen Victoria Albert could outside swim on the beach, play with their children, and they would spend around 3 to 4 months of every year here at Osborne. Some of their happiest times were spent here. Boy and I had
अपने से नोट कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर्सर से नोट भी कर सकते हैं खुद। रूफ कर रहे हैं, मैं मुझे रूफ देखना है कि रूफ का स्ट्रक्चर क्या है। Well, we've left the splendor of the Italian terraces outside and moved into the house, and we're now transported to India, the Durbar Room. Queen Victoria was Empress of India, but she couldn't actually go to India herself, although she desperately wanted to. So India came to her here at Osborne. It was used quite regularly by the Queen. She continued over here. Rooms. She would often have lunch in it, but much easier and cool. And it was here that Queen Victoria would entertain prime heads of Europe and beyond under this magnificent ceiling. One personality that springs to mind in the Durbar Room is Abdul Karim. He was really a waiter that came out when he started off in the wrong. It's been a great pleasure showing you around Osborne and highlighting very few of its treasures. Where else can one get close to Queen Victoria and Prince Albert? Here at Osborne, we walk in their footsteps. We hear the same sounds. We see the same sights as they would have experienced over 100 years ago now. तो आप ये वर्चुअल टूर के साथ इस छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो भी देख सकते हैं। ये उन्होंने वर्चुअल टूर खुद ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आप उसमें खुद भी मूव कर पा रहे हैं। जैसे स्पेस शटल है, आप स्पेस शटल के अंदर भी विजिट कर सकते हैं इस म्यूजिक है, इस आर्ट एंड कल्चर के। Welcome aboard. All right. Crawling in.
lights come up and lights go down every 45 minutes. So sunrise and sunsets of the day, that's great. I'm lying on the ground and I can't believe it all. Roger that, Discovery. Welcome back. Congratulations on a super mission, and the world is looking forward to reaping the benefits of your good work. No, chemistry, bola chemistry, not ball science. Hopefully, you have enjoyed it. Chemistry. Sir, hello. Yes. सर वॉइस कट कट के आ रही है इसकी वॉइस नहीं आ रही सर अच्छा एक्चुअली हो सकता है कुछ यस सर एंजॉयिंग जैसे आपने देखा कि स्पेस शटल विजिट है अब आपने ओरियन के बारे में सुना होगा आप उसमें भी स्टेप अप कर सकते हैं 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं हबल के बारे में अगर आप जानते हो तो हबल का कंट्रोल सेंटर कैसा है वो देख सकते हैं हबल मिशन क्या था उसके बारे में जान सकते हैं जब बच्चों की बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि हम स्पेस शटल में टॉयलेट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन गिवन जी ड्रैगन के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं कि डायनासोर्स का एरा था डायनासोर्स का टाइम था तो वो किस तरीके के होंगे एक उसका एक वर्चुअल टूर गिवन है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें एक्सप्लोर करने के लिए आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना जानेंगे और उतना आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे तो दिखाने को मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूं इसमें और ये सेशन चलता ही रह जाएगा तो मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं आप इसको आगे फर्दर खुद एक्सप्लोर करके देखिए क्योंकि मुझे और भी चीजें आपको बतानी है थोड़ी थोड़ी तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत बोरिंग हो रहा है सेशन और मैं नहीं बता नहीं पा रहा हूँ आप लोग को नो सर नो नो सर नॉट एट ऑल सर इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर नो सर नो होपफुली मैंने एक्चुअली मेरे पास अभी जो जितने टूल यूज हो रहे हैं वो सब आप सोशल साइंस में यूज कर सकते हैं जैसे आपने कल ग्राफिक रिसोर्सेज का देखा ग्राफिक क्रिएशंस का जिसमें माइंड मैप आप लोग क्रिएट कर पा रहे थे उसको आप यूज कर सकते हैं टाइमलाइन बनाने के लिए टाइमलाइन में जो मैंने आपको दिखाया उसके ये आप उस टाइमलाइन इट्स वेरी इफेक्टिव सर हाँ इवेंट को एक्सप्लोर कर पाए मैं आपको एक और छोटा सा अगर कहें तो टूल बता दूं कि आप कैसे टाइमलाइन क्रिएट करेंगे कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन क्रिएट करना है एआई जनरेटेड टाइमलाइन बना सकते हैं पर्टिकुलर आपको कोई इवेंट याद नहीं है तो आप उस इवेंट के बारे में या आपने इंस्टेंट जानना चाहते हैं कि हाँ इवेंट्स के सारे फैक्ट्स कवर हो जाएं और मैं उस टाइमलाइन को यूज करूँ तो एक अभी हमारे पास है 10-15 मिनट तो मैं एक क्विक आपको बता देता हूँ स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा आपको जैसे आपने टाइमलाइन दिया एक टूल है प्रिसीडेंट जैसे आपने देखा ये ऊपर लोगो आ रहा है मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को यस सर विजिबल प्रिसीडेंट PRECEDEN इसमें आप टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर टाइमलाइन क्रिएट कर सकता है आप इसमें देख रहे हैं ये मेरा होम पेज है मैंने लॉगिन किया हुआ है आप इस पे सिंपली अपना जीमेल डाल के और पासवर्ड एंटर करके आप इस पे अपना क्रेडेंशियल्स बना सकते हैं लॉगिन आईडी बना सकते हैं ये फ्री है सेक्शन इसके कुछ प्रीमियम प्लान्स हैं तो प्रीमियम प्लान्स में जाने की जरूरत नहीं है आप इसमें टाइमलाइन बना के यूज कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स टाइमलाइन बना सकते हैं कोई लिमिटेशंस नहीं
पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रिएट मैनुअली, मैनुअली क्रिएट करने में बेसिकली टाइम टेकिंग है थोड़ा सा और लगता है कि हाँ इतने एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो आप क्रिएट विथ एआई कर सकते हैं। जैसे क्रिएट विथ एआई करेंगे आपको ये पेज ओपन होता है। अब जैसे आपको कुछ भी क्रिएट करना है टाइमलाइन, जैसे मुझे कोल्ड वॉर एरा के बारे में सारा एक स्ट्रक्चर चाहिए, मैं लिखूंगा सिर्फ कोल्ड वॉर एरा, जनरेट विथ एआई करूंगा, ये मेरे टॉपिक को एनालाइज करेगा कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, और फिर आपको एक टाइमलाइन स्ट्रक्चर करके देख। आप में से किसी ने ये टूल यूज किया था क्या पहले? नो नहीं किया सर। नो नो सर, सर, नो नो सर, नो सर, नो। नो नो सर, नो सर। थोड़ा सा टाइम लेता है कुछ सेकंड्स का, क्योंकि इसके फैक्ट्स कलेक्ट करता है। देखिए ये सारा कोल्ड वॉर एरा का स्ट्रक्चर आ गया, 1940s टू 2010। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप देख पा रहे हैं इसको, आप इसको ओपन करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक है सर, वेरी इंटरेस्टिंग सर। इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, विद पिक्चर्स। इसने पूरा स्ट्रक्चर दे दिया विथ डेट एंड फैक्ट्स, कब क्या हुआ था। तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, शेयर भी सर कर सकते हैं, लिंक कॉपी करके डाल सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज में डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैं बोल रहा था, गूगल क्लासरूम पे आप चाहें तो पीडीएफ इसका शेयर कर दें या इसका लिंक शेयर कर दें, तो बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा। आपने किसी ने इस पे आप अकाउंट बनाया अभी? अकाउंट से कैसे? ठीक मैं बताता हूँ, मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ चैट में, आप उस लिंक पे क्लिक करिए। ओके सर। आपको लिंक मिला चैट बॉक्स में? एक मिनट सर, यस सर, मिल गया मिल गया। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपली साइन इन मांगेगा आपसे, साइन अप करने के लिए। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको अपना ईमेल डालना है, कोई भी आप अपना पासवर्ड सेट करना चाहें तो एक पासवर्ड सेट कर लीजिए और आप ओपन कर लीजिए। साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और कोई क्वेरी होगी तो मैं आपको बता पाऊंगा। सर मोबाइल पे थोड़ी दिक्कत होती है, मोबाइल पे साइमल्टेनियसली ओके वॉचिंग थोड़ी और सी दिक्कत होगी सर, क्योंकि आप देखिए यस मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, बहुत सारी चीजें हिडन हो जाती यार। है, उसको क्लिक कर करके हमें एक्सप्लोर करके देखना पड़ता है कि कौन सी चीज कहाँ पे। बट स्टिल आई हैव कॉपीड द लिंक ओके लाइक आई विल ट्राई लेटर ऑन आई विल सी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सर मोबाइल पे साइन इन का ऑप्शन तो नहीं शो कर रहा है। अच्छा करेगा सर, साइन अप किया सर, मेरा हो गया साइन अप। हो गया, तो आप जनरेट कर पा रहे हैं सर कुछ? हाँ सर सर मैंने इसमें मोबाइल रामायण पे किया, साइन बिना किए डायरेक्ट ही आ रहा है सर, इसका जनरेट करने का, जनरेट विद एआई सर मेरे आ इन रहा है। करने की हाँ जरूरत नहीं सर। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन साइन इन मैंने करेंगे रामायण तो एक्सपोर्ट करेंगे साइन अप तो करके सर मैंने रामायण जनरेट किया भी एआई पे, पूरा डिटेल ओपन हो गया सर रामायण से रिलेटेड सारे चीज। क्या आपको ये यूजफुल लग रहा है सर, बहुत इंटरेस्टिंग? बहुत सर, बहुत 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 सर। शानदार है सर। सर मैंने बैंकिंग रिलेटेड बनाया
अभी भेजा है ग्रुप ये में पूरा लिंक। डिटेल मिल गया सर सिर्फ प्रमाण लिखने से जी। जैसे मैंने कोल्ड वॉर एरा जनरेट किया, आप चाहें तो फर्दर और भी कर सकते हैं। जैसे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में आपको जानना है, पर्टिकुलर ईयर वाइज या कॉमनली बैटल ऑफ प्लासी लिख के सर्च करिए एआई के थ्रू। सर साइन अप के बाद बहुत सारे फीचर्स उसमें आ रहे हैं। हाँ बहुत सारे फीचर्स आएंगे मैम, मैन्युअली जनरेट करने का भी है, एआई के थ्रू भी जनरेट करने का है। तो आपको जो आपको अच्छा लगता है आप उससे जनरेट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ मुझे मैन्युअली जनरेट करना चाहिए, तो मैन्युअली आप सिग्निफिकेंट ईयर वाइज सेलेक्ट करके, जैसे उसमें आपको कैलेंडर एक ओपन होता है, टाइम का आपको टाइम डेट चूज करना है, मैन्युअली एंट्री कर सकते। ठीक है और आप एआई के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैटल ऑफ प्लासी चूज किया, तो इसमें आपको देखिए नवाब अलवर्दी खान डेथ से शुरू होता है, और आप इस पे ले जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल। होप आप सभी को समझ में आया है मैं क्या बताना चाहता। यस सर। एक कनेक्शन थोड़ा कट गया था 5-1 मिनट पहले, आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं। हेलो सर। जी सर बताइए। सर थोड़ा कनेक्शन कट गया था, ये एआई टाइमलाइन देख रहा हूँ मैं अभी स्क्रीन में, सर क्या था इसमें आप तो बता रहे हैं। कहाँ पे थे सर, आपने साइन अप कर लिया? सर साइन अप किया है आपने? तो इसको शेयर कैसे कर सकते हैं जो जनरेट हुई है टाइमलाइन? मैं बता रहा हूँ, दोबारा दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, मैंने एक फिर जलियांवाला बाग का इंसिडेंट सर्च किया है। जैसे जनरेट जी होता सर। है मैं बताता हूँ। ओके सर, शेयर में तो वो सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब बोल रहे हैं। हम कुछ फीचर्स फ्री हैं, सारे नहीं हैं सर। आपने साइन अप किया है ना? नहीं सर, डायरेक्ट ही किया था। हाँ तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, बिना ठीक है सर। साइन अप के कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके सर। हेलो मैडम। हेलो, जी सर। ये हम पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में हम आ गए हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, फिजिक्स में थे, उससे फिर एक लिंक आया, उसके थ्रू हम हिस्ट्री में आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस में। सर आपने अभी ज्वाइन किया है? हाँ नहीं, पहले से किए थे, अभी एक लिंक आया तो उसको हम क्लिक कर दिए तो वो उसमें चले गए। बीच में लॉग आउट हुए थे क्या आप? हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ था, लॉग आउट हो गया हाँ था। हाँ तो सर आप मेन सेशन में चले जाते हैं तो दोबारा चूज करके आना। अब जैसे जलियांवाला बाग का इंसिडेंट मैंने सर्च, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है सारा डिस्क्रिप्शन। सर आपने लॉग आउट हुए थे तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है वर्चुअल टूर की, और जो मैं ये प्रेसिडेंट टूल बता रहा हूँ उसकी।
एक बार दोबारा मेन मेन्यू में जाके कहाँ जाना है? तो इसमें सर मेन होम पेज से जी सर, सर आप साइन अप कर चुके हैं तो मेन पेज पे आइए, कोई भी टॉपिक जिस पे आप टाइमलाइन जनरेट करना चाहते हैं वो टॉपिक लिखिए, जनरेट विथ एआई कीजिए, वो टाइमलाइन जनरेट करके दे देंगे। अच्छा, जैसे मैम आप पूछ रही थी कि शेयर कैसे कर सकते हैं, मैंने जो ये टाइमलाइन जनरेट किया है उस पे आप देखिए यहाँ राइट हैंड साइड के ऊपर एक्सपोर्ट एंड शेयर का, यस सर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं या इसका लिंक कॉपी करके, ये सारे ऑप्शन भी ओपन है साइन अप करने के बाद। ठीक है मैम, सर अगर इसे वो पीडीएफ में करें तो डाउनलोड करके फिर ये तीन दिखा रहे हैं, कंटेंट है, टाइमलाइन, इवेंट लिस्ट एंड पेज नंबर, तो इसे कुछ और भी करना है क्या अपने को? नहीं नहीं, सेव हो जाता है ना, पीडीएफ आप सेव कर लीजिए आपके सिस्टम से। ओके ओके, ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हैं तो मैं शेयरिंग स्टॉप करूं। Yes, sir. तो आप लोग थोड़ा समझ गए सर, रखेंगे तो बात करने में आसानी होगी थोड़ा सा। I reached to timeline create, but then I found difficult. Sir, you are fine. Difficult to use it? No, no, no. But I got, sir. You? I'm trying in another mobile. I'm trying in another mobile, sir. Oh, actually, you are trying from the mobile. Full face. Yeah. What the time is? Yeah, it's good, sir. Battle of Plassey. Yeah. तो आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? इसमें दो मैंने डिफरेंट चीजें आपको बताई। Yes, sir. Very nice. Very effective. Yeah. Thank you so much. कोशिश की। Both these effective are there, sir. Both are these of effective sessions, sir, for this. और आप लोग अपने कुछ शेयर करना चाहें है, हमारे पास 5 मिनट में ब्रेकआउट रूम्स बंद हो जाएंगे तो हम लोग मेन सेशन में वापस चले जाएंगे, तो कोई भी क्वेश्चन या कुछ ऐसी क्वेरी या कुछ आगे आप साझा करना चाहें या पूछना चाहें तो कह सकते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, तो शेयर हो गया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, थैंक यू सो मच। आपने तो हमें नए चीजें मतलब कैसा साइन अप करना है, कैसा क्रिएट करना है बता दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और होंगे तो हमें सिर्फ चैट बॉक्स में नेम दीजिए, हम उसको ट्राई करेंगे और हम भी जान सकते हैं और भी हैं ऐसा। अच्छा सर, मैं बता देता हूँ, हमारा जो सीआईटी का वेबसाइट है उस वेबसाइट पे हम नए नए टूल्स के हर रोज एक सेशन होते हैं, उसको हम वेबिनार्स के नाम देते हैं, उसमें मेरा भी एक सेशन है, हिंदी में है, और एक सेशन किसी और मैडम ने लिया है इंग्लिश में है। एक टूल है प्लिकर्स, वो एक असेसमेंट टूल है, असेसमेंट टूल में बहुत अच्छा क्लासरूम असेसमेंट टूल है कि आप लाइव आप उनको फीडबैक दे सकते हैं। ओके सर, तो वो आप, मैं उसका लिंक दे देता हूँ आपको। ओके सर, ओके ओके, कि आप उसको एक्सप्लोर कर पाए इवेंट पेज को।